Good morning and welcome to this moment of meditation. और सुप्रभात और इस मनन के समय में आप सबका स्वागत है. Let us continue our meditation from the Gospel according to Saint Luke chapter 17. और आइए हम अपने मनन को जारी रखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय. Remember the 10 leper story. और याद रखिए वो 10 कोढ़ियों की कहानी. And I said there are five things they have shown in order to get their needs met. और यहाँ पर मैंने बात कहा कि यहाँ पर ऐसी पांच बातें थी जिसके लिए उनकी जिसके द्वारा उनका जरूरत पूरा किया जाना था. They have shown desperation. उन्होंने एक ललक एक भूख को दिखाया. And secondly, they have shown great humility. और दूसरा उसने एक महान दीनता को दिखाया. And the third thing is. और जो तीसरी बात है. There was a cry for mercy. और एक दया के लिए एक पुकार थी. There are two things noteworthy in their crying out. और उनकी पुकार में दो बातें हैं जिन्हें हमें देखना है. Number one, पहली बात, they called Jesus master. उन्होंने यीशु को स्वामी कह करके बुलाया. It is not the word for teacher. याद रखिए ये शब्द स्वामी शिक्षक के लिए नहीं है. The teacher, the word is rabbi. क्योंकि शिक्षक के लिए जो शब्द है वो है रबी. But the word used here is epistata. लेकिन जिस यूनानी शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है वो है epistata. And it means. और जिसका मतलब है. Chief commander. जिसका मतलब है मुख्य सेना अध्यक्ष या सेनानायक. Or the overseer. और एक ऐसा व्यक्ति या दूसरे शब्दों में जो हर एक बात के ऊपर है. The one who has the power to meet need. जिसके पास सामर्थ्य है जो जरूरत को पूरा कर सके. What was their need? और उनकी जरूरत क्या थी? It was not instructions. और उनकी जरूरत निर्देश नहीं थे. Rather, लेकिन their need was healing. उनकी जरूरत थी चंगाई. It was both physical and spiritual. और ये दोनों रूप से था, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से उन्हें चंगाई. The Jews always connected leprosy to sin. और जो यहूदी थे उस समय में वो हमेशा कोढ़ को या कोढ़ की बीमारी को पाप से जोड़ते थे. So that was the first thing. और ये वो पहली बात. And the secondly. और दूसरी बात. They cried out for mercy. उन्होंने दया की एक पुकार को यीशु के लिए चिल्लाया. Not only for physical healing. ना केवल शारीरिक रूप से चंगाई. But also for spiritual healing. लेकिन आत्मिक रूप से चंगाई. What is that? इसका क्या मतलब? Forgiveness of sin. पापों की क्षमा. The book of Isaiah chapter 55 verse 7 says. और यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय और 7वां वचन कहता है. Let the wicked forsake his ways. होने दे दुष्ट उसके मार्गों का तिरस्कार करे. And the evil man his thoughts. और बुरा मनुष्य उसके विचारों का. Let him turn to the Lord. और होने दे वो परमेश्वर की ओर फिरें. And God will have mercy on him. और परमेश्वर उन पर अपनी दया को दिखाएगा. And he will freely pardon. और वो बड़ी आजादी और मुफ्त में उन्हें माफी देगा. Now this is our God. ये हमारा परमेश्वर है. And it is important that we come. With that attitude, crying out for mercy. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस स्वभाव के संग परमेश्वर के सामने आए, वो रोने का स्वभाव एक पुकार. And their need was both physical and spiritual healing. Both were met by the Lord Jesus Christ. और उनकी आवश्यकता थी वो आत्मिक और शारीरिक चंगाई जो दोनों परमेश्वर ने पूरा किया. So the third thing they showed was. जो तीसरी बात उन्होंने दिखाई वो ये थी. The cry, the way they cried out for mercy. और जिस रीति से उन्होंने चिल्लाकर यीशु को पुकारा. And the fourth thing that we notice. और जो चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं. There was perseverance. यहाँ पर हम देखते हैं वो कैसे लगातार उसके लिए वहाँ खड़े थे. Jesus did not notice them immediately. यीशु ने उन्हें तुरंत ही नहीं देखा. He ignored their cry. टेस्ट दम. यीशु ने उनकी पुकार को उनके ऊंचे शब्द को पहली बार नहीं सुना लेकिन उसको ये देखना चाहते थे या उसकी परीक्षा लेना चाहते थे. Sometimes we wonder why prayers are
are not answered. कई बार हम भी ये सोचते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता. Sometimes we get so discouraged because Jesus is not answering prayers. कई बार हम निराश हो जाते हैं क्योंकि यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा. Because we want everything right now. क्योंकि हमें हर एक बात अभी चाहिए. And God is never in a hurry. और परमेश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करता. So always remember. तो हमेशा याद रखिए. And so He does not answer our prayers immediately many times. और इसलिए वो हमारी प्रार्थनाओं को तुरंत ही उत्तर नहीं देता कई बार. Why is it? और ये ऐसा क्यों है? He is testing us. वो हमारी परीक्षा ले रहा है. We need to learn to trust him. हमें सीखना है कि हम उस पर भरोसा करें. Then ask him. और उससे पूछें. Then seek him. और उससे उसको पुकारें. Then knock. और उसके बाद खटखटाएं. Keep on asking. और निरंतर मांगते रहें. Keep on seeking. और निरंतर खोजते रहें. And keep on knocking. और निरंतर खटखटाते रहें. That is what the original language says. और यही जो इसका मूल भाषा है, जो इसकी असली भाषा है, इस बात को कहा गया है. For those who ask shall receive. क्योंकि वो जो मांगते हैं उन्हें मिलेगा. Those who seek will find. और वे जो खोजते हैं उन्हें वो पाएंगे. And those who knock, the door will be opened. और वो जो खटखटाएंगे उनके लिए खोला जाएगा. That's the way God does things. और इसी रीति से परमेश्वर बातों को करता है. So if I am speaking to someone who is discouraged because you have been praying for something for long but the answer hasn't come yet. और इसलिए अगर आज की सुबह मैं किसी एक से ऐसे बात कर रहा हूं जो बड़े लंबे समय से प्रार्थना कर रहा है उत्तर के लिए लेकिन अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला. What God is doing? परमेश्वर क्या कर रहा है? He is testing you. वो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है. How sincere you are? कितने सच्चे आप हैं? And how longing you are? और कितने लंबे समय तक आप पुकार सकते हैं? And therefore, और इसलिए, don't stop. रुके नहीं. Keep on asking. निरंतर मांगते रहें. Keep on seeking. निरंतर खोजते रहें. Keep on knocking. और निरंतर खटखटाते रहें. And I tell you, और मैं आपको बताता हूं, God in His mercy, परमेश्वर अपनी दया में, will answer you. आपको उत्तर देगा. Once He is convinced, He knows that you are sincere and you have you believe that unless God meets this need, my need will not be met. क्योंकि वो इस बात को ढूंढ जान लेगा कि आप सच्चे हैं और आप ये स्वभाव रखते हैं जब तक परमेश्वर मेरी जरूरत को नहीं पूरा करेगा तब तक मैं नहीं. For this may God help you and bless you. होने दे इसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे. Be persevere. वो धैर्य रखना सीखे. Amen. Amen. Lord, we thank you. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं. The blessed Holy Spirit is given to us. हे धन्य पवित्र आत्मा हमें दिया गया है. That He may guide us and lead us into divine truth. ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें स्वर्गीय सच्चाई में ले जाए. To help us and enable us and to assist us. ताकि हमारी सहायता करे, हमारा हमें सशक्त बनाए और हमारा मार्गदर्शन करे. That we may ask properly. And according to God's will. ताकि हम सही रीति से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगने वाले. That we may receive what we need. ताकि हम उन बातों को पाएं. Thank you. धन्यवाद. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. This is a great day for you to experience something wonderful from the Lord. ये एक महान दिन है कि आप परमेश्वर से कुछ अद्भुत की अपेक्षा करें. Amen. Amen.